नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कृषि कानूनों पर एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों और तीन केंद्रीय मंत्रियों के बीच छठे दौर की वार्ता बुधवार को हुई। बैठक में दोनों पक्षों के बीच चार में से दो मुद्दों पर सहमति बन गई है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज विज्ञान भवन में किसान आंदोलन में शामिल नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो चार विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें से दो विषय पर आपसी सहमति सरकार और किसान यूनियन के बीच हो गई है। नए साल में श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर का खुलेगा पट। नए साल में श्रद्धालु करीब 12 घंटा तक बाबा की कर सकते हैं पूजा अर्चना। बता दें, बुधवार को देवघर डीसी सह मंदिर प्रशासक मंजुनाथ भजंत्री ने बाबा मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दिन के 4 बजे तक खुला रखने का आदेश दिया है। इस दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन कराने को कहा गया है। बता दें, बुधवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री बाबा मंदिर पहुंचे। झारखंड में पुलिसकर्मियों को न्यू ईयर गिफ्ट, 1 जनवरी से मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। नए साल से राज्य भर के थानों में तैनात थानेदार से सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। यह सुविधा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमवी राव ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इस बात का ऐलान किया है। डीजीपी ने कहा कि हाल के दिनों में राज्य भर के थानेदारों व थानों में तैनात पुलिसकर्मियों से सीधी बातचीत की जा रही है। फरवरी तक राज्य के सभी थानों में तैनात पुलिसकर्मियों से सीधी बात हो जाएगी। थानों में तैनात पुलिसकर्मियों से हुई बातचीत से मिले फीडबैक के आधार पर एक कदम उठाया जा रहा है, ताकि पुलिसकर्मी अपने परिवार को भी वक्त दे पाएं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने झारखंड के 6 NSS टीम रवाना। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में शामिल होने के लिए झारखंड से राष्ट्रीय सेवा योजना के 6 विद्यार्थी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसमें रांची यूनिवर्सिटी NSS के 3 विद्यार्थी के अलावा शिवम कुमार एवं अभिषेक रंजन तथा देवघर की 1 स्वयंसेविका पल्लवी भारती पटना के लिए रवाना हुई। बता दें, फिर वहाँ से सभी साथ में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने में जुटी सखी मंडल की दीदियाँ। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की प्रधान सचिव आराधना पटनायक ने राज्य के सभी जिलों की कुल 75 संकुल संगठन की दीदियों से दीदी बाड़ी के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। महिलाओं से बातचीत के दौरान उनसे दीदी बाड़ी योजना के अंतर्गत चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बता दें, वर्तमान में 3 लाख से अधिक महिलाएँ दीदी बाड़ी योजना से जुड़कर संबंधित लाभ उठा रही हैं। झारखंड पुलिस ने रेप आरोपियों पर किया रिसर्च, 90% मामले में अनपढ़। झारखंड पुलिस ने दुष्कर्म के मामलों में पकड़े गए आरोपियों पर रिसर्च किया है। इसके आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं। बता दें, रिसर्च के लिए झारखंड के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई थी। दुष्कर्म के हर कांड के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर जानकारी मांगी गई थी। रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि 90% मामलों में अनपढ़ या 10वीं से कम पढ़े लिखे लोग थे। डीजीपी एमबी राव ने बताया कि अधिकांश मामलों में अपराधियों के शराबी होने की बात सामने आई है। डीजीपी ने कहा कि यही वजह है कि राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ नवंबर से लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। गर्म कपड़े बांट कर मनाए नए साल की खुशियां रांची उपायुक्त। रांची जिला प्रशासन ने शहर के लोगों और खासकर युवाओं से 9 बरस के पहले दिन अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े और जरूरत के अन्य सामान उपलब्ध कराकर खुशियां मनाने की अपील की है। जिला प्रशासन ने इस बार मिशन 1 मिलियन स्माइल अभियान चलाकर 10 लाख गर्म कपड़े लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बता दें, इस अभियान में सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया गया है। अभियान के समन्वयक संजय कुमार ने कहा कि 9 बरस के अवसर पर जरूरतमंद लोगों तक गर्म कपड़े एवं अन्य जरूरी वस्तुएं पहुँचाने की दिशा में बेहतर काम करने वाले युवाओं में से कुछ चयनित युवाओं को इस मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। झारखंड में कोरोना के नए स्ट्रेन से डरने की जरूरत नहीं, मंत्री। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के नए स्ट्रेन से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार इसे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश दुनिया में इसे लेकर क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से राज्य सरकार ने बेहतर तरीके से निपटा है। यही वजह है कि झारखंड में कोरोना के मामले बेहतर कम सामने आए हैं। रिकवरी रेट में झारखंड ने मिसाल पेश किया है। मृत्यु दर भी बेहतर कम रहा है।
झारखंड में 223 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जो रांची से 87, बोकारो 20, चतरा 1, देवघर 6, धनबाद 18, दुमका 1, पूर्वी सिंहभूम 40, गढ़वा 3, गिरिडीह 3, गुमला 2, हजारीबाग 13, खूंटी 2, लातेहार 1, लोहरदगा 1, पलामू 7, रामगढ़ 8, सरायकेला 5, सिमडेगा 3, पश्चिमी सिंहभूम 2 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 114,873 है, जबकि 112,206 लोग स्वस्थ हुए और 1,027 की मृत्यु हो गई। भारत में 21,069 नए संक्रमित मिले हैं। भारत में कोरोना से कुल मौत 148,759 है। बता दें, भारत में एक्टिव केस 256,392 है, वहीं झारखंड में एक्टिव केस 1,640 है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 2 जनवरी से भरा जाएगा फॉर्म। वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। बता दें, छात्र परीक्षा फॉर्म 2 जनवरी से 22 जनवरी तक भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क 27 जनवरी तक जमा होगा, वहीं विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 23 से 30 जनवरी तक भरा जाएगा। विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क 3 फरवरी तक जमा होगा। नक्सलियों ने बदली रणनीति, डीजीपी। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने कहा है कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। संगठन अपने कार्यों को आउटसोर्स करने लगा है। इसके लिए छोटे अपराधियों या फिर संगठनों से संपर्क कर काम कराया जा रहा है। इसके तहत लेवी की मांग करना, धमकी देना और पोस्टरबाजी शामिल है। हाल के दिनों में राजधानी रांची में की गई पोस्टरबाजी इसकी मिसाल है। कुछ सफ़ेद पोश भी इसके पीछे हैं। आने वाले दिनों में उनके नाम उजागर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण नक्सली संगठनों को पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा है। 2021 में झारखंड को कालाजार से मुक्त करेंगे मंत्री। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रोग कालाजार की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक की, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उपस्थित थे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार कालाजार के खात्मे के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। कालाजार मलेरिया के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा परजीवी कारक है, और यदि रोगियों का इलाज नहीं किया जाता है तो 95% घातक परिणाम होता है। वर्ष 2020 में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई 50 मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। झारखंड पुलिस और नक्सली के बीच वर्ष 2020 में 50 मुठभेड़ की घटना हुई। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस दौरान अलग अलग नक्सली संगठन के 14 नक्सली मारे गए और 1 जवान शहीद हुआ है। इस वर्ष राज्य के कुल 121 नक्सल घटनाएं हुई, इसमें 28 आम लोग भी मारे गए। नक्सलियों ने 27 लोगों की हत्या भी की। इस दौरान नक्सलियों ने 4 बार पुलिस पर हमला किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला दिहाड़ी श्रमिकों को मिला आशियाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद काम की तलाश में राजधानी आने वाली महिला श्रमिकों को आशियाना उपलब्ध कराने की पहल शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री को उपायुक्त रांची ने अवगत कराया कि रांची नगर निगम को मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया है। जल्द ही इन महिलाओं के लिए नजदीक के रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही आमजनों को भी रैन बसेरा की उपलब्धता से अवगत कराया जा रहा है। बन्ना गुप्ता ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात कर तीनों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन रोके जाने के मामले को उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में मेडिकल के क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी है। यहाँ के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर चिकित्सक बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे, लेकिन आधारभूत संरचना के अभाव को दिखाकर दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में रोक लगा दी गई है, जो झारखंडी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है। 2020 में झारखंड पुलिस का काम अच्छा रहा, डीजीपी। साल 2020 कैसा रहा और आने वाले साल में कार्य योजना को लेकर झारखंड डीजीपी एमबी राव ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि बीते साल में पुलिस का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना रहा है। लॉकडाउन में पाबंदियों को लागू करना बड़ी चुनौती थी। लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करना भी चुनौती थी। प्रवासी मजदूरों के मामले में भी चुनौती थी। डीजीपी ने कहा कि हमने बेहतर काम किया। थानों में सामुदायिक रसोई चलाकर 40 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध करा पाए। झारखंड के 367 मेडिकल ऑफिसरों को साल का तोहफा। झारखंड की हेमंत सरकार के एक साल के कार्यकाल के दूसरे दिन बुधवार को राज्य के 367 नए मेडिकल ऑफिसरों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इन चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक समारोह में प्रदान किया।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष पर रिमझिम फुहार की आस है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से लोकल क्लाउड फॉर्मेशन हो सकते हैं, वहीं 1 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर रांची सहित पूरे राज्य पर दिखने लगेगा। हालांकि 2 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है, इसके 12 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। जेल में मारपीट करने वाले PLFI उग्रवादी के खिलाफ FIR दर्ज। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में गैंग बनाकर हमला करने के मामले में PLFI उग्रवादी पर केस दर्ज कराया गया है। हमले में घायल छोटू खान के बयान पर खेलगांव थाने में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें छोटू खान ने बताया कि PLFI उग्रवादी ने एक समूह बनाकर उस पर जानलेवा हमला किया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। भैंसा ने पिता पुत्र को मार डाला। झारखंड के सिमडेगा जिले में एक भैंसा ने पिता पुत्र की जान ले ली। बता दें, घटना रेंगारी थाना क्षेत्र के पाइक पारा की है। बुधवार को अनियंत्रित भैंसा ने जगन्नाथ मांझी और उसके पुत्र नारायण मांझी को पटक कर मार डाला। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बेकाबू भैंसा को काबू करने के क्रम में यह हादसा हुआ। 2022 तक बनकर तैयार होगा बारकाखाना रांची रेल लाइन। धनबाद रेल मंडल के DRM आशीष बंसल बुधवार को हजारीबाग स्टेशन पहुंचे। वे रेलवे विभाग के सैलून से बारकाखाना होते हुए हजारीबाग पहुंचे। हजारीबाग पहुंचने के बाद DRM ने अधिकारियों से कई विषयों की जानकारी ली और कई आवश्यक निर्देश भी अधिकारियों को दिया। उन्होंने कटक कम दाग रेलवे साइडिंग का भी निरीक्षण किया, साथ ही हजारीबाग साइडिंग के बाबत भी जानकारी। बता दें, इसके पूर्व बारकाखाना से हजारीबाग रेल मार्ग का भी उन्होंने निरीक्षण किया। बातचीत के क्रम में पूछने पर DRM ने कहा कि 2022 तक बारकाखाना रांची रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होगा। पलामू में पिकनिक स्पॉटों पर तैनात किए गए दंडाधिकारी। हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण के निर्देश पर सोन नदी के तटवर्ती डंगवार, देवरी, कबरा कला, रानी देवा के अलावा कोयल नदी के पंसा, मोहम्मदगंज, भीमबराज क्षेत्र के सभी पिकनिक स्पॉटों पर दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में SDO कमलेश्वर नारायण ने बताया कि पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा को देखते हुए दंडाधिकारी के साथ साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। पलामू में 36 मवेशियों से लदा ट्रक जब्त। लेस्लीगंज थाना पुलिस ने मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया है। बता दें, घटना बुधवार अहले सुबह की है। ट्रक से 36 मवेशियों को मुक्त कराया गया है, वहीं एक पशु तस्करी की गिरफ्तारी भी हुई है। ट्रक चालक व 2 अन्य लोग भागने में सफल रहे। रामगढ़ में 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर, 12 से अधिक घायल। गोला चारू पथ के केजिया घाटी में बुधवार को लगभग 7 बजे 3 वाहनों की टक्कर से दर्जनों लोग घायल हो गए, जिससे पूरी घाटी में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गया। बताते चले कि रांची से बोकारो जा रहे एक LP ट्रक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा से आ रहे 9 ट्रेवल से सीधे भिड़ंत हो गया और घाटी में पलट गया। इससे बस के पीछे चल रहा क्रेटा कार भी बस से टकरा गया। धनबाद में प्रतिदिन 5 विद्यालयों का निरीक्षण। धनबाद जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त तथा जैक से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं-12वीं का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसके लिए SOP भी जारी किया गया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए, साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।